पर्यावरण को लेकर प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटा है। शिमला में भी शुक्रवार को रिज मैदान पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम ने रोटरी क्लब के साथ मिलकर शहर में जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसके बाद रिज मैदान पर महापौर ने लोगों को सफाई के प्रति शपथ भी दिलाई। इस मौके पर बाबी जी घर पे हैं के मुख्य कलाकार आशुतोष गौड़ भी मौजूद थे। इस दौरान नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने भी जानकारी दी। हम इस शिमला को और स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे इस कड़ी में, क्योंकि हमने पिछले वर्ष एक प्रण भी लिया था जब बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा इस शहर को नुकसान आपदा झेलनी पड़ी थी, तो उससे सबक लेते हुए हमने ये एक महीने का जो अभियान है जिसमें पूरे शिमला शहर के जितनी ड्रेनेज है, जितने नाले हैं, जितनी वैली साइट है, उन सब की हम सफाई करेंगे ताकि मानसून आने से पहले जो पिछले वर्ष जो आपदा आई थी पानी की वजह से, पानी रुकने की वजह से बहुत सारे जो स्लाइड्स आए थे, बहुत सारे घर हमारे गिर गए थे, बहुत सारे रोड हमारे गिर गए थे, उससे उसको हम काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो हम इस पूरे एक महीने में वार्ड में जाकर और हमारी जो टीम है वो जाएगी। इस दौरान नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पर्यावरण दिवस शिमला शहर में पौधारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम सिर्फ साल में एक दिन नहीं बल्कि हर रोज होने चाहिए। विश्व पर्यावरण के दिवस पर रूप में निभा रहे हैं। वैसे हमने 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया था कूड़ा कंडक्ट की वजह से, लेकिन हमने बावजूद उसके ट्री प्लांटेशन किया था कल्लोक वार्ड में। कल्लोक में हमने अखरोट के पेड़ और कायल के पेड़ और दूसरे जो फ्रूट्स के पेड़ है वो लगाए थे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमने लगभग 200 पेड़ वहाँ पर ट्रीज लगाए थे उसको, और वहाँ के जो लोकेलिटी है कल्लोक वार्ड के कुछ लोग हैं, जनता है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। उस एरिए को उन्होंने अडॉप्ट किया, जो मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने उसको सुबह और शाम वो पानी देते हैं और पानी के साथ उस पौधों की केयर करते हैं। और इस साल भी हम बहुत बड़ा अभियान प्लांटेशन का करने जा रहे हैं सभी लोगों के सहयोग से, पूरा शहर के सहयोग से। आज मैं विशेष तौर पर रोटरी क्लब के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वहीं शिमला शहर में सफाई का महाअभियान शुरू किया गया, जिसके तहत शहर के नालों की सफाई के साथ ही पहाड़ियों की भी सफाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिमला शहर को स्वच्छ रखना केवल सफाई मित्रों का काम ही नहीं बल्कि जिसमें सभी नागरिकों की जिम्मेदारी भी है और आपको वो पूरी करनी है। शिमला से सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।